तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कन्नड़ा फिल्म पोगुरु के शुरुआती दो दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे दोस्तों इस फिल्म ने शुरुआती दो दिनों में कितने करोड़ की कमाई की और फिल्म का बजट कितना है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या हो चुकी है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों पोगुरु एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है नंद किशोर ने और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है एक्शन प्रिंस ध्रुवा सरजा और उनके साथ नजर आ रही है नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना। इस फिल्म का बजट है लगभग 28 करोड़ रुपए और इस फिल्म को ऑल इंडिया में तीन भाषाओं के अंदर रिलीज किया है, कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल। और दोस्तों इस फिल्म को तीनों भाषाओं में वर्ल्ड वाइड टोटल स्क्रीन मिली है 1200। अब दोस्तों बात की जाए फिल्म के पहले दिन के अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पे ध्रुवा सरजा की फिल्म पोगुरु ने अपने पहले दिन कन्नड़ा वर्जन से ग्रॉस कलेक्शन किया है 8 करोड़ 70 लाख रुपए का। वही तेलुगु वर्जन में इस फिल्म का पहले दिन ग्रॉस कलेक्शन रहा 1 करोड़ 35 लाख रुपए। वही दोस्तों पोगुरु फिल्म ने तमिल वर्जन में पहले दिन लगभग 60 लाख रुपए की कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों यहां पे पोगुरु फिल्म का जो फर्स्ट डे ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 10 करोड़ 65 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, कल के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि पोगुरु फिल्म अपने पहले दिन लगभग 10 से 12 करोड़ की कमाई करेगी और फिल्म ने अपने पहले दिन वही कमाई की है लगभग 10 करोड़ 65 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों बात करें फिल्म के दूसरे दिन की ऑक्यूपेंसी और अर्ली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि पोगुरु फिल्म को दूसरे दिन मॉर्निंग वाले शोज में लगभग 22% की ऑक्यूपेंसी मिली है। वही आफ्टरनून के शोज में 35% की ऑक्यूपेंसी मिली थी और फिल्म को इवनिंग वाले शोज में 46% की ऑक्यूपेंसी मिली है। तो दोस्तों जिस तरह फिल्म को दूसरे दिन तीन शोज में ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है उसके हिसाब से लग रहा है कि यह फिल्म दूसरे दिन ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 4.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच कर सकती है। अगर फिल्म दूसरे दिन 4.5 करोड़ या 5 करोड़ रुपए कमा लेती है तो फिल्म का शुरुआती दो दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो जाएगा लगभग 15 से 15.5 करोड़ रुपए। बता दूं दोस्तों फिल्म का बजट जहां 28 करोड़ रुपए और फिल्म सिर्फ दो दिनों में ही अगर 15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर रही है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पोगुरु फिल्म कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से 2021 की पहली सुपरहिट फिल्म बन सकती है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म में कमाल का एक्शन है और ध्रुवा सरजा और रश्मिका मंदाना की एक्टिंग भी इस फिल्म में काफी शानदार है जिसकी वजह से यह फिल्म तीनों भाषाओं में काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। हालांकि दोस्तों पोगुरु फिल्म जब भी हिंदी में रिलीज होगी या फिर इस फिल्म की हिंदी डबिंग को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। तो अगर आप भी पोगुरु फिल्म को हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पोगुरु फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने इस चैनल एकेबी मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।